पूरा ही खा गया। ये देखो भैया, ये देखने में छोटा है लेकिन इसका जहर। यार ये तरीका बड़ा अच्छा है सामा भाई, दिखाना भाई। ये निकल गया आराम से, ये नया आ रहा है, ये वाला, ये वाला। हाँ ये अच्छा, अगली बार हो जाएगा ये। अच्छा ऐसा हाँ। ही खाना चाहिए। हाँ ज्यादा पक्का है ना, वो मीठा नहीं है ज्यादा पक्का मीठा। देखो गमले में ही, यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है ना। आ गया इसमें बहुत सारे बीज मिर्ची के, अब खाते हैं थोड़ा। है ना हाँ बहुत ही खाए वो। इधर भी देखो भाई ने गार्डनिंग कर रखी है, इतने मस्त चलते तीखा होता है ना। तो फ्रेंड्स ये असम की मिर्ची है, जो बाहर से होंगे उन्हें नहीं पता होगा। ये वाली मिर्ची देखो आप, ये देखो ये इतना तीखा होता है ना कि ये शायद कोई खा भी ना पाए। इसका पाउडर बना के थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं सब्जियों में। अब अच्छे बना दिया भाई, स्मेल आ रहा है। मैं नहीं खाएगा यार पूरा दम। देखो बहुत तेज। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सांगमा भाई को फोन आया था कि आ जाओ, पाइनएप्पल बड़ा हो गया है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पाइनएप्पल के पूरी पहाड़ पे पूरा खेती ही खेती है यहाँ पे। तो बड़ा हो गया था, हमने कहा आके खा लेते हैं थोड़ा। और सांगमा भाई घर के बाहर आके तो मन नहीं करता जाने का। ये देखो मिर्ची लगा रखा है, देखो गमले में ही। यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है ना। इधर ये लगा रखा है, गुलाब भी है। और ये देखो यहाँ पे भी एक पाइनएप्पल लगा रखा है छोटा सा। और देखो यहाँ भी मिर्च है, मिर्च इतना सारा लगा है ना, बहुत आया। क्या है ये बड़ा, ये बहुत तीखा होता है ना। तो फ्रेंड्स ये असम की मिर्ची है, जो बाहर से होंगे उन्हें नहीं पता होगा। ये वाली मिर्ची देखो आप, ये देखो ये इतना तीखा होता है ना कि ये शायद कोई खा भी ना पाए। इसका पाउडर बना के थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं सब्जियों में। अगर एक डाल दिया ना एक सब्जी में 7-8 लोग खाने में तो भी नहीं खा पाएगा, इतना तीखा होता है ये। होता ना जोलो चिप्स भी बुरा होता है। देखो गमले में लगा रखा है टमाटर। तो एनवायरनमेंट यहाँ अच्छा है इतना कि गमले में भी हो जाता है। बाकी आप शहर में गमले में कुछ भी लगाओ जल्दी होता नहीं है। तो ये रहा सांगमा भाई, और ये रहे इनके बच्चे, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, और ये रहा नैना। नैना ही नाम है ना, टुनटुन। इसका नाम चिंकी है, पक्षी का नाम तो नैना है, नैना है हाँ। पक्षी का नाम नैना है। ये थोड़ा कम बोलता है भाई का, जो जो जीजा के पास है ना वो बहुत बोलता है, कुछ ज़्यादा ही बोलता है। तो इधर भी देखो भाई ने गार्डनिंग कर रखी है, इतने मस्त। चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, उधर पाइनएप्पल बहुत सारा है, तो थोड़ा खाते हैं आज। जो मार्केट में आता है उससे अच्छा है, बोल रहे घर का है, देसी है, कोई खाद वगैरह कुछ नहीं देते। तो पहाड़ है ना, यहाँ न्यूट्रिशन की कमी नहीं है वैसे भी। देखो इधर इसे सब तोड़ लिया क्या? हाँ, वो एक देखो यार फ्रेंड्स, यहाँ पे भी है, ये पता नहीं है, ये कच्चा है अभी, ये वाला हो गया, ये भी कच्चा है, ये पक गया। हाँ ये हो गया, ज्यादा पका। हाँ हो तो गया, इसको तोड़ेगा क्या? हाँ इसको तोड़ेगा, चलो और देखो। ये देखो यार इतने मस्त नज़ारे हैं यहाँ के, यहाँ आके ना बार बार मन करता है यहीं रहो। इतने सारे इधर लगा रखे हैं। इसका बीज होता है सांगमा के, कैसे होता है ये बड़ा इसका? हाँ कैसे लगाते हैं पेड़ को इसके? इसको ओ ये है ना, ये नया आ रहा है, ये वाला हाँ ये अच्छा, अगली बार हो जाएगा ये। अच्छा तो फ्रेंड्स ये जो है ना, जो मतलब टहनियाँ आ रही नई नई, तो इसको नीचे से काट के, तीन है ना ये भी है, हाँ। इसको काट के कहीं भी लगाने से आ जाएगा। और इसका बीज भी होता है क्या? हाँ, ये देखो ये भी आ रहा है आगे। हाँ देखो फ्रेंड्स ये साइड से आ रहा है ना नया वाला, अगले साल ये लगेगा, अगले साल इसको लगा देगा। तो बीज भी होता है फिर ऐसे? जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। बीज होता है बीज नहीं होता इसका? बीज भी होता है, बीज भी होता है, मतलब बीज ज्यादा नहीं ऐसे ही हो जाता है ना। हो जाता है। तो ये इतना ऐसे गुलाब की टहनियां जैसे काट के लगा देते हैं ना, तो इसमें ऐसे कलियां आती हैं साइड से, उसको ही लगाने से हो जाता है, बीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो इधर पूरा देखोगे आप पाइनएप्पल ही है पूरा, ये पूरा इतना एलोवेरा जैसा दिख रहा है ना, ये सारा पाइनएप्पल है यार। बहुत नुकीला था देखो, लग गया मेरे को यहाँ पे।
ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी हो गया। देखो ये भी पक गया। हाँ ले लो इसको, ही हो गया। भाई नपले ना भैया, ऐसा ही खाना चाहिए। हाँ ज्यादा पक्का है ना, वो मीठा नहीं है। ज्यादा पक्का मीठा नहीं होता, थोड़ा सा मतलब टेस्ट थोड़ा अजीब हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, ऐसा खाना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ ये परफेक्ट होगा, ना ज्यादा कच्चा ना ज्यादा पका हुआ। अभी तो इसका टेस्ट अच्छा है, ज्यादा पकने से थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है ज्यादा। हो गया, चलो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो। हाँ चल के खाते हैं ना, काट के छोटा वाला काटना, बाकी तो मैं एक दो घर भी ले जाऊंगा। मेरी वाइफ ने एक बार पाइन एप्पल खा लिया था, तो बीच का जो डंडी होता है ना फेंकना होता है, उसने वो भी खा लिया था। कितना दवाइयाँ कर ली उसका, अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो हल्के से लाल लाल पैरों में दाने मतलब दाग से आ रहे हैं स्पॉट से। तो वो बीच का तो नहीं खाना, मैंने भी खाया था, मैंने कम खाया था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो भाई का घर कुछ ऐसा है, एकदम मस्त ट्रेडिशनल लोकल, कोई गर्मी नहीं, मिट्टी का लेप लगा रखा है, ठंडा रहता है पूरा। तो कटिंग हो चुका है, मस्त देसी लोकल पाइनएप्पल का। बच्चों को देखो, अपनी बचपन याद आ जाएगी। संडे आते हैं ना सामा भाई, संडे वाटरफॉल चलते हैं। वाटरफॉल हाँ अभी ठीक रहेगा, थोड़ा पानी भरेगा, बड़ा हो जाएगा। कल के नहा वहा लेंगे, कुछ थोड़ा मैगी वैगी बनाएंगे, खावा के आ जाएंगे, फिर सब देख के आ जाएंगे ना एक बार, तो फिर कैंपिंग का नेक्स्ट टाइम प्लान कर लेंगे। वो देख के आएंगे, एक बार देख लेगा ना तो आइडिया हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट संडे को हम लोग जाएंगे इस पहाड़ के काफ़ी अंदर, वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे, कैंपिंग का स्पॉट वगैरह देख लेंगे। अभी चलेंगे इस बार, नहा वहा के आएंगे मस्त, उसके बाद प्लान कर लेंगे कैंपिंग का तो कैसे करना है। यार यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, यहाँ तो गर्मी में भी गर्मी नहीं लगता ना, गर्मी में ठंडा रहता है ना, थोड़ा रहता है। प्लेन से तो अच्छा है यार, देखो कितना ग्रीनरी है। वो मैंने जिधर रुका था ना भैया, हाँ उधर बहुत ठंडे है वो रोड पे ना। हाँ जितना भी गर्म दे दो, सूख दे दो, उधर ठंडी ही रहता है एकदम मस्त। यार जिनको गांव बहुत प्यारा है ना, उनको तो मजा ही आ जाएगा इधर आके, मेरे को घर जाने का मन नहीं करता। यार ये तरीका बड़ा अच्छा है समा भाई, दिखाना भाई ये निकल गया आराम से। मेरी वाइफ ने ना वो डंडी भी खा ली थी, बीच का पूरा एलर्जी हो गया, खुजली हो गया पूरे पैर में। ऐसा करने से बहुत अच्छा। हाँ नहीं पका है ना ये, थोड़ा कच्चा होने से ये निकलेगा नहीं ऐसे, नहीं निकल जाता है, निकल जाता है। हाँ। बाप रे इसको नहीं पता है तो खा ही जाएगा बीच वाला। इसको भी खा सकते हैं। ये डंडी क्यों खा रहा है ये? इसको भी खुजली हो जाएगा, मत खा। नहीं हम लोग खाता है भाई। बीच वाला भी? हाँ। कुछ नहीं होता है। हाथ से खाने का अलग मजा है ना। इसको भी दिखा दो, इसको भी दे दो। फ्रेंड्स ये मिर्ची लेके आया है, मिर्ची से मेरे को बहुत डर लगता है। रुको मैं बना के देता हूँ। इसमें दे दो ना, साइड में, साइड में दे दो। बना के देगा मतलब क्या बनाना है इसमें? तोड़ दिया क्या? बहुत ही गहने हाथ से बना दिया है। अभी इसमें लगा स्मेल आ रहा है। हाँ
मैं नहीं खाएगा यार पूरा दम। थोड़ा सुन के देखो, बहुत तेज है। मेरी वाइफ ने ना वो डंडी भी खा ली थी, बीच का पूरा एलर्जी हो गया, खुजली हो गया पूरे पैर में। ऐसा करने से बहुत अच्छा। हाँ नहीं पका है ना ये, थोड़ा कच्चा होने से ये निकलेगा नहीं ऐसे। नहीं निकल जाता है। निकल जाता है। बाप रे, इसको नहीं पता है तो खा ही जाएगा बीच वाला। इसको भी खा सकते हैं। ये डंडी क्यों खा रहा है ये? इसको भी खुजली हो जाएगा, मत खा। नहीं हम लोग खाता है भाई। बीच वाला भी कुछ नहीं होता है। हाथ से खाने का अलग मजा है ना। इसको भी दिखा दो, इसको भी दे दो। फ्रेंड्स ये मिर्ची लेके आया है, मिर्ची से मेरे को बहुत डर लगता है। रुको मैं बना के देता हूँ। इसमें दे दो ना, साइड में, साइड में दे दो। बना के देगा मतलब क्या बनाना है इसमें? तोड़ दिया क्या? बहुत ही खाने हाथ से बना दिया है। अभी इसमें लगा के स्मेल आ रहा है मिर्ची का। मैं नहीं खाएगा यार पूरा दम। थोड़ा सुन के देखो, बहुत तेज है। तुम लोग को तो तीखा पसंद है ना, मुझे नहीं पसंद है, मेरे को बहुत तीखा लगता है। आ गया इसमें बहुत सारे बीज मिर्ची के, अब खाते हैं थोड़ा। बाप रे मीठा तो है ना भैया? हाँ बहुत तीखा है वो। मैं तो नहीं खा पाता। सिर्फ नमक लगाऊंगा यार, मिर्ची बहुत तेज है। ये वाली जो मिर्ची है ना, दिखाना एक जरा, ऐसे दिखा दो। ये वाली जो मिर्ची है ना, ये कच्चा भी रहने से ना जब बहुत छोटा रहता है, उसमें बम्बू चिकन में डाला था ना, इतना तीखा हो गया था। ये दूसरा है और एक है, एक है बहुत तीखा ये। बहुत मीठा, बहुत मीठा। ये तो पूरी डंडी खा गया। देखो पूरा ही खा गया। ये देखो भैया, ये देखने में छोटा है लेकिन इसका जहर देखने में छोट लगे, घाव करे गंभीर। कोबरा है ना, कोबरा जैसा है इसका जहर, कोबरा सब जैसा। मैंने थोड़ा सा खाया यार, बहुत तीखा लग गया। तो फिर थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर ना बहुत तीखा लग गया यार। तो फिर मैंने खा लिया पूरा, एक पाइनएप्पल पूरा खा लिया। ये देखो मिर्ची की ये हालत है, इस पर खाली टच करके खाने से इतना तीखा लग रहा है। और ये भाभी इतना सारा तैयार किया, मेरे को बस सिर्फ चार देना ना, चार पीस ये ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखो कटहल कितने बड़े हो गए, जब मैं आया तो बहुत छोटा था, अब इतने सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। जब ये पक जाएगा ना बहुत टेस्टी हो जाएगा खाने में। मैंने खाया बहुत साल हो गया अभी तो खाया हुआ। पकेगा सांगमा जरूर बुलाना, ठीक है? ये मुझे खाना है, बड़ा हो जाएगा ये भी और बड़ा होगा क्या? बड़ा नहीं होगा, ऐसा ही इसका यही है, इसका यही साइज है। हाँ ये वाला बड़ा हो जाता है लेकिन ये वाला इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स चलते हैं घर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। सांग भाई के साथ नेक्स्ट ट्रिप हमारा होगा कैंपिंग का, संडे को आई थिंक प्लान कर ले हम लोग, क्योंकि कैंपिंग वीडियो अभी तक एक ही डाली है, अभी करेंगे हम लोग। और ये देखो पहाड़ पे घर कैसे होते हैं, इतना मस्त यार, सब कुछ नेचुरल नेचर से बनाया हुआ है। ये भी कटहली है क्या? नहीं इलायची का, लीची का, इलायची का नहीं है, वो लीची होता है वो। जो खाया था मैं लीची। लीची तो ये लीची का भी पेड़ है यहाँ पे देखो। अब जंगल में जब जाएंगे ना हम कैंपिंग के लिए, तो अंदर जितने आम के पेड़ थे ना, स्टम बहुत सारे पके होंगे, आम भी खाएंगे पेड़ का पका हुआ। तो गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी थी, स्कूटी उसमें रखते हैं। दो तीन पीस मांगा था भाई ने, बहुत ज़्यादा दे दिया, पाँच छः पीस दे दिया। दो पीस बच्चा वाले, बच्चा भी लेके गया।
तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।